नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका और एक सेशन में, जहां पे एससीपीएम से रिलेटेड मैं एक श्योर शॉट सक्सेस वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आज है चैप्टर 6 स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट का, प्राइसिंग वाला मेथड्स का कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉम्पिटेटिव एंड वैल्यू बेस्ड। मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टीट्यूट के जो पेपर्स है ना, उनका लेवल बढ़ते जा रहा है। सुनने में आया है कि नेगेटिव मार्किंग भी आ सकता है, तो बॉस उसके पहले फटाफट से पढ़ लो कॉन्सेप्ट्स और एग्जाम दे दो, समझे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो को लाइक कर देना है एंड डेफिनेटली आप लोग को सब्सक्राइब्ड रहना है इस चैनल पे, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक करने के साथ, सो दैट और भी ऐसी चीजें आती जाए तो आप लोग के साथ मैं शेयर करता रहूं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फॉलोड। मैं सेम चीज करने वाला हूं मेरे AFM के लिए भी, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर पेपर 6 IBS एज वेल। तो चलो यार, शुभकामनाएं देवी के इस बात की करते हैं, इस चीज को स्टार्ट। इसके नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूं। प्लस आपको फ्री में अगर SCPM के कुछ मॉक टेस्ट देने हैं, तो गाइज हमारा वेबसाइट है webucate.in, उसका भी लिंक मैं कमेंट्स में दे रहा हूं। उस पर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको फ्री टेस्ट भी देने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा एंड आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई MCQ का एग्जाम्स आपको कैसे देना है। सो यू कैन जस्ट गिव लाइक अ मॉक टेस्ट बिफोर द मेन एग्जाम, वो आप लोग ने रजिस्टर करके एक बार दे दिया फ्री टेस्ट, खाली webucate.in पे जाके फ्री टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है? एंड वहां पे आपको सारे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे SCPM के, सो दैट इट बिकम्स दिस अ मॉक। लॉ के लिए भी उधर फ्री टेस्ट डाला है, FRAFM ये सब के भी फ्री टेस्ट डाले, सो आई थिंक दैट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। तो चलो भाई, शुभकामनाएं देरी के इस बात की, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर इन्फो विच इज हेल्पफुल फॉर यू। लेट्स बिगिन। चलो नेक्स्ट है प्राइसिंग मेथड। तीन प्राइसिंग मेथड यहां पे अपने को इंस्टीट्यूट ने दिया है, एक बोला है कॉस्ट बेस्ड, दूसरा बोला है कॉम्पिटिशन बेस्ड, तीसरा बोला है वैल्यू बेस्ड। कॉस्ट बेस्ड बहुत ही सिंपल है भाई, एक ऑप्शन है आपके पास के वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर कुछ आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दो और उस हिसाब से बेचो, दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट के ऊपर बेच दो, टोटल कॉस्ट प्लस एक मार्जिन ऐड कर दो और बेच दो, या फिर आपको लग रहा है भाई टोटल कॉस्ट प्लस एक लमसम अमाउंट या एक परसेंटेज ले लो। सो वेरी वेरी सिंपल। सो आपको क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है, उसके ऊपर एक मार्जिन ऐड कर दो परसेंटेज टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में, लमसम टर्म्स में, सेल इट इन द मार्केट एट दैट प्राइस। सो पहला क्या है मेरा, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड वन, एस्टिमेट फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सब। मेथड टू है मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट करो और एक ऐसा मार्कअप ऐड कर दो जिससे फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट सब आपका कवर हो जाए। यहाँ पे कब यूज होता है ये, जब कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट नहीं है या बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि भाई आप ना बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं है मार्केट में, या आप कुछ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हैं अपने कस्टमर को, दैट टाइम आप यू कैन यूज योर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग मेथड। इसमें दो डिविजन है, देखो कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग मतलब आपके कॉम्पिटिटर को देख रहे हो और उसके बेसिस पे अपना प्राइसिंग पॉलिसी डिसाइड कर रहे हो, उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग मेथडोलॉजी। सो आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उस हिसाब से, तो उसको कहते हैं गोइंग ऑन प्राइसिंग, क्या बोलते हैं उसको, गोइंग रेट प्राइसिंग, मतलब आपके कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या रेट चला रहे हैं उस रेट के हिसाब से अगर आप कुछ सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। सो प्राइसिंग बेस्ड ऑन व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग, तो कॉम्पिटिटर का प्राइस निकालो उसके बेसिस पे प्लस या माइनस कर दो एनी परसेंटेज बेस्ड ऑन ओन कॉस्ट या डिमांड। सो गोइंग रेट में आता है क्या क्या, फर्म्स प्राइसिंग एट एवरेज लेवल चार्ज्ड बाय इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री में समझो चार पांच सेलर्स होंगे तो सबका एक प्राइस देख लो, उसका एक एवरेज लेके यू कैन सेल इट एट दैट पॉइंट इन टाइम। कब यूज कर सकते हो, जब होमोजीनियस मार्केट हो, जैसा मैंने बोला था परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में यूज कर सकते हो। वे डिफिकल्ट टू मेजर कॉस्ट, तो अगर आपको कॉस्ट मेजर करने में डिफिकल्टी हो रही है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको उठा लो। इंश्योर्स गुड कॉस्ट कंट्रोल, एंड इसके लिए कोई बहुत ज्यादा मेजर मार्केटिंग कॉस्ट की जरूरत भी नहीं है। दूसरा है सील्ड बिड। सील्ड बिड मतलब देखो, एक होता है ओपन ऑक्शन, जैसे कि आपका आईपीएल, आईपीएल में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बोल रहा है मेरे को विराट कोहली चाहिए 10 करोड़ में,
तो चेन्नई सुपर किंग बोलेगा नहीं नहीं वी वांटेड 12 करोड़, तो ओपन ऑक्शन है, ट्रांसपेरेंट है, एक दूसरे को पता चल रहा है कि क्या प्राइस पे कौन सेल कर रहा है एंड कौन बाय कर रहा है। बट सील्ड बिड प्राइसिंग जो दूसरा है, उसमें क्या होता है कि आपका जो बिड है ना वो सील्ड होता है। ये मेजरली गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज होता है। तो कई बार गवर्नमेंट को, समझो फॉर एग्जाम्पल फ्लाईओवर बनाना है, मेट्रो स्टेशन बनाना है, या कुछ भी डिफेंस का काम करवाना है, तो गवर्नमेंट को लगता है भाई हम खुद नहीं कर पाएंगे, बट ये करवाना जरूरी है। तो इन सच सिचुएशन गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी उसका से फॉर एग्जांपल फ्लाईओवर है, तो उसके लिए वो बोलेगा भाई हमको फ्लाईओवर बनवाना है, हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे देने को रेडी हैं, जिसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेना है प्लीज हमारे को वो एक बिड दे दो, उसमें आप आपका क्वालिटी ऑफ मटेरियल, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल गवर्नमेंट खुद ही डिसाइड करता है, बोलता है ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, तो ताकि सबको पता है कि भाई ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल के लिए उनको क्या प्राइस देना है। उसमें सबसे लोएस्ट कॉस्ट जिसका भी आता है, ऑक्शन होता है 1 2 3 एंड उसको वो मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, सील्ड होता है मतलब पता नहीं होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल मेरे को हाईवे के लिए या रोड बन रहा है उसके लिए मेरे को देना है अपना प्रोजेक्शन, तो मैं एक कॉम्पिटिटर एनालिसिस करूंगा कि भाई कौन सा कॉम्पिटिटर क्या प्राइस देगा, डेफिनेटली मैं उससे कम में देना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसी को कॉन्ट्रैक्ट देगा जो सेम क्वालिटी में कम प्राइस में काम करके दे। सो दैट इज कॉल्ड एज सील्ड बिड। यहाँ पे देखो, बिड इज फर्म्स ऑफर प्राइस, काइंड ऑफ टेंडर प्राइसिंग, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क में काम होता है ये। कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलता है, लोएस्ट बिडर हाईएस्ट क्वालिटी, बिडर विल बी बिड बेस्ड ऑन हिज मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। भाई देखो कुछ भी हो जाए, कोई भी अपना आदमी मार्जिनल कॉस्ट तो रिकवर करने ही वाला है, बिड डिसाइडेड ऑन ओवरऑल मार्केट कंडीशन। सो मैं मार्केट स्टडी करूंगा, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके फिर डिसाइड करूंगा ओके इतना प्राइस पे रखना है। सो अभी तक कौन सा मेथड किया आपने, एक किया कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, उसमें एक तो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर या टोटल कॉस्ट फुल कॉस्ट के ऊपर एक अपना मार्कअप ऐड कर दोगे। इसमें क्या होता है, जब आप अपना प्राइसिंग सेट करते हो तो या तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, या आप कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट दे रहे हो अपने कस्टमर को, देन इट्स ओके। कॉम्पिटिटिव बेस्ड प्राइसिंग में दो तरीके होते हैं, एक होता है गोइंग रेट, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर थोड़ा एडलेस कर दो, या दूसरा होता है सील्ड बिड, आप अपना बिड एक बार ऑफर दो गवर्नमेंट को, अगर इट इज हाईएस्ट क्वालिटी लोएस्ट कॉस्ट देन यू विल गेट दैट कॉन्ट्रैक्ट, आप कर सकते हैं उसको। थर्ड मेथड है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग मेथड, जो कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू पे बेस्ड है। अभी अगर से फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे होटल में खाना खाने को गया, तो मैंने समझो पाव भाजी ऑर्डर किया और बहुत अच्छा पाव भाजी था, तो अब वो पाव भाजी का कॉस्ट होटल को कितना पड़ा, 250 रुपीज, कितना पड़ा, या समझो ले लो 100 रुपीज उसको कॉस्ट पड़ा, उसने मेरे से कितना चार्ज किया वो पाव भाजी का, 150, बट मैंने बोला कि यार क्या सुपर पाव भाजी था यार, इसका तो मैं 200 रुपया भी देने को रेडी हूं। तो मेरा परसीव्ड वैल्यू मतलब बेनिफिट टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर को क्या लग रहा है कि कितने का उसका वैल्यू था, इट वॉज ₹200, एंड उसके भी ऊपर आता है टोटल ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, जहां पे आपको लगता है कि यार ये खाने से मेरा शाम का खाने की भी मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, इतना फीलिंग था, इतना हैवी था, तो मेरे लिए तो उसका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू हो गया 300। कैसे कि भाई 200 रुपए का तो उसका मेरे को वर्थ लगा है, इतना अच्छा उसका टेस्ट था, प्लस वो इतना ज्यादा क्वांटिटी था कि वो खाने की वजह से मुझे शाम का खाने का बाहर का जरूरत नहीं पड़ा, उतना मेरा पैसा बच गया, तो मेरे लिए तो उसका ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कितना हो गया, ₹300। सो समझ रहे हो आप, एक होता है कॉस्ट जो होटल ने होटल खुद कैलकुलेट करेगा भाई उसको खुद को पाव भाजी बनाने का कितना कॉस्ट लग रहा है 100, उसने मेरे को कितने में दिया 150 में, तो वो भी कुछ प्रॉफिट कमाएगा, वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया, उस पे मेरे को क्या बेनिफिट लगा उसका 200 जितना, बट मेरे को उसका एक्चुअली फायदा कितना हुआ, ₹300 जितना फायदा हो गया। सो परसीव्ड वैल्यू क्या होता है, देखो वैल्यू दैट कस्टमर अंडरस्टैंड्स द प्रोडक्ट डिलीवर्स टू इट, प्राइस विच कस्टमर इज विलिंग टू स्पेंड। यार इतना अच्छा था ना, इसका 200 रुपया भी देता ना लेता ना मेरे से, मेरे को चलता, और मेरे को एक्चुअली फायदा कितना हो गया, उसको कहते हैं ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। तो मेरे को ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू तो 300 रुपए का मिल गया, क्योंकि मेरे को शाम का भी खाना नहीं मंगाना पड़ा और मेरे को शाम का मेरा स्नैक्स का भी खर्चा बच गया। यस, मेरे लिए ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू हायर हो गया। अब इसी के अगेंस्ट में आता है मेरा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, जो अपना डिस्कशन हुआ अभी, मेजर ऑफ बेनिफिट दैट अ प्रोडक्ट इंटेंड्स टू डिलीवर टू द कस्टमर इन रिलेशन टू अदर प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं कहीं और खाता पाव भाजी तो मुझे इतना क्वांटिटी नहीं मिलता, इतना अच्छा टेस्ट नहीं मिलता, सो ऑब्वियसली ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू उसका वो वाले जो रेस्टोरेंट में गया उसका हाई था। इन जनरल जब भी आपको ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो उसका ये फॉर्मूला दिया है आपको याद रखना है, क्या
कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। मतलब अगर मेरे को पाव भाजी कहीं और मिल रहा है तो वो कितने का मिल रहा है, तो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ प्राइस डिफरेंशियल, इट कैन बी प्लस इट कैन बी लेस। मतलब अगर उसमें कुछ ज्यादा बेटर क्वालिटी है जो अभी मैं करंटली यूज कर रहा हूं उससे हो सकता है ऑल्टरनेटिव बेटर हो तो वो एड हो जाएगा, और अगर इफ इट इज लेस देन इन दैट केस वो लेस हो जाएगा। सो अगर मेरे को पाव भाजी कहीं और से 125 रुपीज में मिल रहा है तो 125 हो गया प्लस जो भी उसका डिफरेंशियल में मेरे को ऐड करना है जिसकी वजह से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है या कम बेनिफिट मिल रहा है वो लेस या ऐड हो जाएगा। सो टी ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू जिसको टीईवी कहते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। सो कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल प्रोडक्ट प्लस वैल्यू ऑफ एडिशनल फीचर प्रोवाइडेड बाय द सेलर। अगेन ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। इफ आर प्रोडक्ट इज सुपीरियर तो एड टू ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू, और अगर अपना प्रोडक्ट इंफीरियर है तो रिड्यूस फ्रॉम ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। समझो टी प्राइस आप लेने के ले गए तो अभी देखो चाय एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में भी मिलता है 20 रुपए का, और एक 5 स्टार रुपए में सेम चाय मिलेगा आपको 500 रुपए में। क्यों? क्योंकि वो उतना आपको ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू दे रहा है, एम्बियंस दे रहा है, आपको उतना सर्विस देगा। सर वुड यू लाइक टू हैव सम टी, सर शुड आई पुट सम टी इन टू इट, और वही नॉर्मल रेस्टोरेंट में आके सीधा आएगा वेटर रखे जाएगा बात खत्म, ना कोई एसी ना कुछ, तो फर्क है ना, वही चीज का ये वैल्यूएशन का डिफरेंस है। अभी देखो एक कपड़े अगर मेरे को लेने हैं तो 5,000 रुपए में मेरे को शर्ट पैंट सब मिल जाएगा, और वही वही 50,000 रुपए में अगर मैं उसको मनीष मल्होत्रा का नाम दे दूं तो फिर मेरे को 50,000 रुपए में मिलेगा ये शर्ट। से फॉर एग्जांपल ये शर्ट एकदम डिजाइनर शर्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये एकदम रियल गोल्ड का बना हुआ है, तो अगर मैंने इसको 10 बार भी पहन लिया तो मेरे को लगता है यार मैंने इसके लिए 500 रुपए का खर्चा किया, बट यार मेरे को तो इसको 5,000 का बेनिफिट मिल गया। सो कितना मेरे को वैल्यू मिल रहा है, दैट इज वॉट डिफाइंस कि भाई उस हिसाब से अपने को चार्ज करना चाहिए कस्टमर से। यहाँ पे देखो अगर मैं टी की बात करूं तो नॉर्मल रेस्टोरेंट में 20 रुपए में मिलता है, 5 स्टार होटल में 500 रुपए में मिलेगा, प्राइसिंग बेस्ड ऑन ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू वो लोग करते हैं। सो ये 5 स्टार होटल वाले ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो उनको पता है कि भाई ये अपन तो क्या वैल्यू दे रहे हैं उसको, इतना अच्छा एम्बियंस, इतना अच्छा सर्विस, ऑल ऑफ दैट वी आर गिविंग, सो डेफिनेटली वी कैन चार्ज सच अ ह्यूज अमाउंट। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने एक इधर लिखा है फैशन क्लोथिंग सब्यसाची, तो ये अगर शर्ट मैं कहीं से खरीदा तो मेरे को 1,000 रुपए में मिला, अगर इसके ऊपर लग जाए सब्यसाची या मनीष मल्होत्रा तो ये सेम 1,000 रुपए का टी शर्ट 10,000 रुपए का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेरे को फिर एक ब्रांड वैल्यू मिल रहा है, मेरे को एक रिस्पेक्ट मिल रहा है कि हाँ भाई देखो इसने मनीष मल्होत्रा है सब्यसाची का क्लोथिंग पहना है। तो इसको कहते हैं ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू। कैसे करोगे? कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव प्लस वैल्यू ऑफ डिफरेंस परफॉर्मेंस डिफरेंशियल। अगर अपना बेटर है देन इन दैट केस ऐड टू टीवी, अगर अपना खराब है देन रिड्यूस फ्रॉम टीवी। सो तीन मेथड्स अपने क्लियर हो गए होंगे आपके पास, कौन से? एक है कॉम्पिटिशन मेथड विच इज सील्ड बिड एंड गोइंग रेट, एक है कॉस्ट बेस्ड जहां पे वेरिएबल कॉस्ट प्लस या फिक्स टोटल कॉस्ट प्लस आप ले सकते हो, एंड एक है वैल्यू बेस्ड में ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू एंड परसीव्ड वैल्यू। सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर विद द टाइप्स और मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। ओके देन, सो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस। कैसा लगा आपको सेशन? जैसा मैंने बोला, डू शेयर इट विद योर जूनियर्स एंड कलीग्स एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड। अगर आपका पेपर टू AFM बाकी है, ट्रस्ट मी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स और ऐसे सारे चैप्टर्स का मैं शॉर्ट शॉर्ट बना रहा हूं, प्लस उनके रिवीजन वीडियोस भी है। डू वॉच इट आउट एंड डू शेयर इट विद, एज आई टोल्ड यू, योर फ्रेंड्स एज वेल। चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आपको और कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए टू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद दैट। हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच।